नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 11 नवंबर 2019 और अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जो स्टॉक मैं अपने यूट्यूब चैनल पर देता हूं, जो टेलीग्राम चैनल पर देता हूं, उसने कैसा परफॉर्मेंस किया, इसमें टारगेट आया, किसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे सारी चीजों को देखेंगे। तो थ्री स्टार सेक्शन में दोस्तों सबसे पहला जो स्टॉक था वो था ओरो फार्मा का। तो चलिए हम लोग ओरो फार्मा को चार्ट देखते हैं और देखते हैं क्या ओरो फार्मा ने हमारा टारगेट अचीव किया या स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्या हुआ। सॉरी, एक कैच कर चार्ट खोलना। तो ओरो फार्मा को 442 के ऊपर बाय करना था, शुरू के 5 मिनट को इग्नोर करना है, यहाँ पे इग्नोर करेंगे हम लोग। और 5 मिनट शुरू का ये रहा, 442 के ऊपर उसको गया नहीं तो हमारा बायोडेट ट्रिगर नहीं हुआ, 435 के नीचे सेल करना था। स्टॉक्स ओपन ही होता है 437 से और लो लगा देता है ये लगभग 431 रुपए का, और दोबारा 435 के पास से अगर कहीं बेचना है तो इस कैंडिडेट पे आपने बेचा है, सेल किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और पहला टारगेट 432 था, 433 के पास से रिटर्न कर गया, यानी टारगेट अचीव नहीं हो पाया पूरी तरह सेल का, और ऊपर जाके स्टॉप लॉस हिट हुआ आपका। 442 के ऊपर कहीं बाय करना था, 442 के ऊपर अगर इसको बाय करना था तो यहाँ पे 442 और ये 444 के पास में जाके रिटर्न कर गया, यानी 1 रुपए नीचे से बचा टारगेट आने से और 1 रुपए ऊपर से बचा। पूरा दिन भर स्टॉक फिर साइडवेज हो गया, ये पूरी तरह मैं कहूंगा कि ये फेल हो गया, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि ये फेल हो गया। बाकी आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हुआ इसमें। माइंडट्री है अगला स्टॉक, माइंडट्री मैंने दिया था, माइंडट्री को बाय करना था 697 के ऊपर। तो चलिए देखते हैं 697 के ऊपर क्या हुआ। 697 के ऊपर स्टॉक गया नहीं तो हमारा बाय ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, और 690 के नीचे सेल करना था तो इस कैंडल पे आपने सेल किया 690 बिल्कुल, और पहला टारगेट था 685। देखिए 685 आपको आराम से यहाँ पे मिल गया, 685 यहाँ पे मिल गया। लो जो लगाया इसने 683 का लगभग लो लगाया, दूसरा टारगेट मेरा 680 का था तो 2 रुपए से वहां से बच गया, लेकिन एक टारगेट इसने डन कर दिया और उसके बाद फिर पूरे दिन भर साइडवेज हो गया, यानी कि एक टारगेट इसने सेल का अचीव करके दिया और ओरो फार्मा में टारगेट आया ही नहीं था, सॉरी ओरो फार्मा हमारा फेल हो गया था जबकि माइंडट्री ने एक टारगेट आपको दिया। तीसरा स्टॉक था कोटक बैंक का, चलिए कोटक बैंक को भी देख लेते। 1610 के ऊपर बाय करना था, 1610 के ऊपर, तो पहले शुरू के 5 मिनट इग्नोर करते, सेल करना था 1590 के नीचे, 1590 के नीचे स्टॉक गया नहीं, सेल ऑर्डर क्लियर नहीं हुआ। 1610 के ऊपर बाय करना था तो आपने यहाँ कहीं इस कैंडल पे बाय किया, इस बड़ी कैंडल पे बाय किया, और इस कंडीशन में जो पहला टारगेट था दोस्त, पहला टारगेट हम लोग देख लेते हैं, पहला टारगेट था 1618 का, तो 1618 का टारगेट अचीव हो गया, एकदम वहीं से आके फिर गिरा, फिर दिन भर स्टॉक साइडवेज हो गया, ठीक है, पूरा दिन भर साइडवेज चला गया, यानी एक टारगेट इसने अचीव किया। अब आते हैं जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया था, यानी 3 स्टार में जो 3 स्टॉक दिया था जिसमें ओरो फार्मा फेल हो गया और माइंडट्री में एक टारगेट आया और कोटक बैंक में भी एक टारगेट आया। अब बात करते हैं लाइव मार्केट में जो कॉल दिया था मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, कोलपाल को 1602 के ऊपर बाय करना था तो कोलपाल में हमारा एसएल हिट हो गया, मैंने लिख भी दिया आपको। भारत फोर्स को मैंने 430 के ऊपर बाय दिया, 433-36 का टारगेट, 935 पूरा, तो भारत फोर्स में ऑल टारगेट डन हो गया, सेकंड टारगेट डन हो गया, भारत फोर्स का टारगेट डन हो गया। उसके अलावा जो मैंने स्टॉक दिए हुए थे, कौन सा भारत फोर्स के अलावा दिया था, कुछ और एक स्टॉक दिया था ना, कोलपाल भारत फोर्स, ये 2 स्टॉक दिया था मैंने, ठीक। तो ये इसमें भी जो 2 स्टॉक दिया था, कोलपाल में हमारा एसएल हिट हो गया, भारत फोर्स में सारे टारगेट डन हो गए लाइव मार्केट में। प्रॉफिट आपने कमाया है माइंडट्री में, कोटक बैंक में, अब भारत फोर्ज में। अच्छा, वोल्टास भी दिया था, सॉरी दोस्तों, वोल्टास भी दिया था 701 के ऊपर बाय करने 9:53 पे, तो वोल्टास मैंने देखा नहीं, देख लेते हैं वोल्टास 9:53 पे दिया था ना, 9:53 पे वोल्टास दिया था 701 के ऊपर बाय करने, चलिए चेक करते हैं 9:53, ये आज ही का है ना, जी आज ही का है, तो 9:53 पे वोल्टास को देख लेते हैं, 9:53 10
40 50 त्रिकोण गया ही नहीं, तो 700 एक ऊपर हमारा स्टॉक गया नहीं, तो हमारा बाय ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, इसमें हमारा काम नहीं हो पाया, ना बाय का ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं हुआ। तो प्रॉफिट कमाया आज आपने माइंड में, कोटक बैंक में, भारत फोर्ज में, स्टॉप लॉस हिट हुआ है कोलपाल में, और ओरो फार्मा पूरी तरह से बाय साइड 1 रुपए से टारगेट बचा, सेल साइड 1 रुपए से टारगेट बचा, पूरा दिन भर साइड बेच हो गया। ये था मेरा दोस्तों अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।